कैसा आएगा पानी, कट रखा है तो भरने दो, नहाऊंगा मैं। कितना थोड़ा गंदा पानी आ रहा है इसमें तो। अरे बंद मत करो नहीं तो बंद हो जाएगा से तो। अरे फिर से बंद भाई, फिर से कट गया लगता है। कट गई गाइस, कट गई मोटर चलना। हे गाइस नमस्ते, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह के 8 बजे से। चेक द सीन गाइस, तो ये भी स्कूल जाते हैं अब। कल से शुरू किया इन्होंने स्कूल जाना, एडमिशन नहीं हुआ बट जा रहे हैं वैसे, ताकि आदत लग जाए बच्चों को जाने की। और भाई भी जा रहे हैं स्कूल, मैं तो अपने काम में जाऊंगा। तो ये भी जा रहे हैं अभी स्कूल, भाई भी जाएंगे स्कूल। ये भी रेडी हो रहा है, बहुत तो रेडी है पहले से। चलो वैस मैं जाऊँगा गाय को चराने के लिए, बहुत दिनों बाद गाय चराने वाला ब्लॉग आने वाला। तो ये भी तैयार हो गया गाइस, अब जाएंगे स्कूल, ये भी जाएगी स्कूल। अब छोड़ दो इसे, चलो गौ माता तुम्हें चराने के लिए ले जाऊँगा। पहले तो इसे बांध रखा था, अब इसे थोड़ी देर टहला देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। अभी धूप बहुत तेज़ हो रखी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है धूप। चल तो गाइस अभी जा रहा हूँ, और मैंने ये गमछा ओढ़ लिया था कि धूप से थोड़ी बच जाऊँ, थोड़ा ही बचूँगा, बाकी तो पेड़ वे हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगा। गैया जा रही है मेरी, यहीं चलेगी इधर ना उधर, इधर उधर तो कहीं चलेगी। सारे लोग यहीं पे चलाते हैं गांव के, तो एक साथ चलेंगे। तो गाइस अभी आ गए, और हमारी गैया वहाँ चल रही है, मतलब हम सबकी गैया चल रही है। बैठा हूँ पेड़ के नीचे, देखिए ये भी साथ में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? अमित कुमार आए हैं, हमारा नाम है अमित, आए हैं गोरु चराने। तभी गाइस घर को ले जाए ना सारे गायों को। तो ऐसा भी जा रहे हैं चाचा जी मंदिर 1 बजे। तो हमने गाय को यहाँ बांध रखा है। घर आते ही बहुत तेज भूख लगी है, तो सबसे पहले खाना खाते हैं गाइस। तो ऐसे मैंने खाना खा लिया, अब उल्टे काम करना शुरू करते हैं। अब इसके बाद सोऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा। तो अभी गाइस आया हूँ नहाने के लिए, तो छोटा मोटा लगा हुआ कुआं में, इसे चला के नहा लूँगा यहीं पर। उल्टे काम था आज तो सारे। अरे सिंचाई करे थे चाचा जी फूलों की, देखिए इतने छोटे छोटे पौधे हैं। तो यहाँ से वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ से जोड़ देता हूँ, मोटर चल जाएगा। खंबे में मैंने वायर को जोड़ दिया पर नहीं चल रहा मोटर, लगता वहीं से जोड़ना होगा कुएं में। वहाँ तो मैंने जोड़ रखा, फिर भी यहाँ करंट नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है गाइस? फिर से जाना पड़ेगा, इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा गाइस, छू के देखो। नहीं गाइस ऐसी गलती ना करूँगा मैं, कोई नहीं सामने, आसपास दिख भी नहीं रहे कोई जो मुझे बचाएंगे। चलो अब चापाकल में नहाना पड़ेगा। अब पता चला मैंने दिक्कत कहाँ है, ऊपर है भाई, खंबे के ऊपर में वायर छूट रखा है। अब तो चापाकल में नहाना पड़ेगा, चलो नहाते चापाकल में, उससे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होके आता हूँ। तो गाइस मैंने खंबा वाला वायर जोड़ दिया किसी तरह बांस लेके, अच्छा चाचा जी ने आइडिया दिया। तो यहीं पर नहा रहा अभी, देखिए पानी आ रही है। गाइस मैंने तार तो जोड़ दिया था पर फिर से छूट गया, कैसे जोड़ा जानते हो? अभी तो हवा वह रही तेज, तो ऐसे ऐसे हिल रहा था तार, तो कट गया। अभी जोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, देखिए बारिश वाला मौसम हो रखा, अभी बूंदा बूंदी हो रही है, करंट लग गया। तो मैंने कपड़े धो लिए, बस नहाना बाकी है अब। तो फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं वायर को। चलो गाइस अब की बार दिखाऊँगा, छत पर चढ़ के बाँस के सहारे जोड़ता हूँ। वो रखा है बाँस, उस बाँस के सहारे जोड़ूँगा, सादा सादा जो दिख रहा है इसी को जोड़ूंगा। चल भाई नहाते हैं, चलो नहाने के लिए। तो दोनों भाई नहाएंगे अभी, अबे ऐसे मत कर, भरने दो, नहाऊंगा मैं। कितना थोड़ा गंदा पानी आ रहा है इसमें तो। अरे बंद मत करो नहीं तो बंद हो जाएगा से तो। अरे फिर से बंद भाई, फिर से कट गया लगता है। कट गई गाइस, कट गई, मोटर चलना बंद हो गया। हवा बह रही है अभी, परेशान कर, कट गया कट गया। अब कहाँ से पानी आएगा, कह रहा पानी क्यों नहीं आ रहा, कैसा आएगा पानी, कट रखा है तो
तुम यहीं रहो, मैं फिर से जोड़ के आता हूँ। गैस बिजली चली गई थी, आ गई फिर से। गैस मैंने नहा लिया, फिर से बिजली चली गई। चाची ने कपड़े धोने के लिए लाए थे, कम्बल वगैरह। ये देखिए कपड़े। तो है गैस अभी रहे शाम के साथ, और ये पढ़ाई कर रही है अभी बहन। तो ये भी पढ़ाई करे चटाई में नीचे। और लाइट वाइट कुछ नहीं रखा है, वैसे अंधेरे में पढ़ाई कर रही। पता नहीं कैसे पढ़ रही है अंधेरे में। बकरी मैं कर रही है। अभी बकरी मैं क्यों कर रहे हो, मैं क्यों कर रहे हो, क्या होगा तुम्हें? आंखें देखेगा इस, उसकी चमक रहे हैं। देखिएगा इस आंखें चमक रहे हैं ना। तो अंदर पढ़ाई कर रही है क्योंकि अंदर में लाइट है। चाचा जी भी आ गए मंदिर से। मंदिर में आजकल ज़्यादा भीड़ नहीं है, और चाचा जी का पास बन गया तो ये जा रहे हैं। तो वैसे अभी ध्यान भजन करने के लिए आए थे मैं और पापा जी। तो ध्यान भजन समाप्त हो चुका, अब चलते हैं घर को। तो वैसे मेरा खाना भी सब कुछ हो चुका। मैंने खाना खा लिया, रोटी और कटहल की सब्जी बनी थी तो खा लिया मैंने। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वैसे आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।